फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत बड़ा डेजर्ट दिखाया जाता है जिसमें हर तरफ चट्टान और पहाड़ी नजर आते हैं जो दिखने में काफी बड़े और खूबसूरत लग रहे होते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें हमें एक रिचर्ड नाम का शख्स दिखाया जाता है जो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में आया है। यहाँ डेजर्ट का एक घर है और दोनों यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उसे पियोते नाम का एक ड्रग्स देता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के फेर के बारे में पता नहीं है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह में जब जेनिफर घर में होती है तो दरवाजे पर एक आदमी गन लेकर खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसके बाद जेनिफर रिचर्ड को आवाज देती है। रिचर्ड इन दोनों लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों कल आने वाले थे जिस वजह से अब इनको जेनिफर के बारे में पता चल गया है। रिचर्ड जेनिफर को इनसे इंट्रोड्यूस कराता है जिनका नाम स्टैन और दिमित्री है जो हंटिंग के लिए यहाँ पर आए होते हैं। जेनिफर दोनों के साथ बहुत प्यार से बात करती है। इसे स्टैन कुछ और ही समझ लेता है और जेनिफर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रात को स्टैन और दिमित्री जेनिफर के साथ बैठे होते हैं जहां दिमित्री एक दूरबीन से जेनिफर को देख रहा था। फिर उसकी नजर पियोते पर जाती है और वो उसे लेने जाता है। तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है और ड्रग्स को लेने से मना कर देता है। फिर रिचर्ड बताता है कि यह बहुत ही पावरफुल ड्रग्स है। इसे लेने के बाद आदमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, यहां तक कि इसे लेने वाला खुद को भी खा जाएगा। रिचर्ड उस ड्रग्स को जेनिफर को दे देता है और उसे छुपा कर रखने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर उस ड्रग्स को अपनी लॉकेट में ही रख लेती है। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और रिचर्ड के साथ में डांस करने लग जाती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता जिसके बाद जेनिफर स्टैन को बुलाती है और उसके साथ में डांस करने लगती है। इस दौरान स्टैन जेनिफर की बॉडी को टच कर रहा था। फिर रिचर्ड वहां पर आता है और जेनिफर को लेकर बेडरूम में चला जाता है। अगले सुबह जेनिफर को रिचर्ड नजर नहीं आता जिसे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसके बाद स्टैन के पास में जाती है और रिचर्ड के बारे में पूछती है। फिर जेनिफर को पता चलता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के कुछ काम से बाहर गया है। दिमित्री ने रात को बहुत ज्यादा पी ली थी इसीलिए वो अभी भी पूल में सोया था और आज स्टैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस समय वहाँ जेनिफर के साथ में कोई नहीं होता, इसीलिए वह उसके साथ में एंजॉय करना चाहता है। लेकिन इस बात से जेनिफर घबराने लगती है और रिचर्ड को कॉल करती है, लेकिन इस समय उसकी रिचर्ड से कोई बात नहीं हो पाती। इसके बाद में जेनिफर बेडरूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है जहाँ पर स्टैन छुपकर देख रहा होता है। तभी जेनिफर उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर स्टैन उसके पास में आता है और इंटीमेट होने के बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर साफ साफ मना कर देती है जिसे स्टैन को बहुत बुरा लग जाता है। अभी तक स्टैन को लग रहा था कि जेनिफर उसे पसंद करती है लेकिन स्टैन नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर दिमित्री आ जाता है लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद में स्टैन जेनिफर का रेप करने लगता है। कुछ देर बाद रिचर्ड भी वापस आ जाता है जिसके बाद स्टैन उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर के पास जाता है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो वापस जाना चाहती थी। इस पर रिचर्ड उसे समझाता है और बाहर जाकर स्टैन को डांटने लगता है। तभी जेनिफर की आंख लग जाती है और नींद खुलने पर रिचर्ड उसके सामने होता है। वो जेनिफर को बताता है कि मैंने कनाडा में तुम्हारे लिए जॉब देख ली है। इसके अलावा वो जेनिफर को एक बहुत बड़ा सा अमाउंट भी पे कर देता है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं सुनती और हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए बोलती है। फिर रिचर्ड उसको मनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेनिफर नहीं मानती और इस बारे में उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देती है। इससे रिचर्ड गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जेनिफर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद रिचर्ड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी स्टैन और दिमित्री भी देख लेते हैं जिसके बाद में ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब जेनिफर भागते हुए एक एड्ज पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती थी और तीनों उसे घेर लेते हैं। रिचर्ड जेनिफर को शांत होने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो स्टैन से फोन मांगता है और हेलीकॉप्टर बुलाने का बहाना बनाता है, लेकिन जेनिफर उसकी इंटेंशन नहीं समझ पाती और उनकी बात मान जाती है। तभी रिचर्ड अचानक से उसे वहां से धक्का दे देता है और जेनिफर एक पेड़ की टहनी पर गिर जाती है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है। तब रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर वो वहां से भाग जाती और रेप के बारे में अगर किसी को बता देती तब हम तीनों को 15 साल तक जेल में रहना पड़ता। फिर वो प्लान बनाता है कि जब हम हंटिंग के लिए निकलेंगे तब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और स्टैन और दिमित्री को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। वापस आने के बाद रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है जबकि स्टैन और दिमित्री हंटिंग के लिए सारे हथियार तैयार कर लेते हैं। वहीं जेनिफर अभी भी टहनी पर लटकी हुई है और उसकी बॉडी पर बहुत सारी चींटियां आ गई हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी उसे अपना ईयरफोन और लाइटर नजर आता है। वो काफी कोशिश के बाद अपना ईयरफोन उठाती है और उसकी मदद से लाइटर को अपने पास लेकर आती है।
इसके बाद वो टहनी के नीचे वाले हिस्से में आग लगा देती है। उसके जलने से टहनी कमजोर हो जाती है और जेनिफर उसे तोड़कर नीचे आ जाती है। तभी रिचर्ड और उसके दोनों साथी वहाँ पर आ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जख्मी होने से उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी वो रेंगते हुए पहाड़ से जाकर चिपक जाती है। अब रिचर्ड और उसके साथी वहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको जेनिफर की बॉडी कहीं भी नजर नहीं आती। स्टैन को लगता है कि कोई उसे लेकर चला गया है, इसलिए वह बहुत ज्यादा डर जाता है। इस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इसके बाद में रिचर्ड दोनों के साथ जेनिफर को खोजने निकल जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अब जेनिफर भी वहां से भाग चुकी थी। तभी उसकी नजर जेनिफर के गिरे हुए ब्लड पर जाती है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। फिर दिमित्री और रिचर्ड जेनिफर को खोजने वहां से अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, जबकि स्टोन वहीं पर गाड़ी में रुक जाता है, जिससे जेनिफर वापस आकर भाग न सके। दूसरी तरफ जेनिफर नदी में भाग रही होती है, तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में जेनिफर नदी में ही छुप जाती है। इससे दिमित्री उसको नहीं देख पाता और आगे चला जाता है। फिर जेनिफर किसी तरह से नदी से बाहर आती है, तभी उसे दिमित्री दिखाई देता है, जो टॉयलेट करने में बिजी था। इसका फायदा उठाकर जेनिफर चुपके से वहां से चली जाती है और उसकी राइफल लेकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन राइफल में बुलेट लोड नहीं थी, इसलिए जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती, जिसके बाद में दिमित्री उसे मारकर नीचे गिरा देता है और स्टैन को इस बारे में बताता है। यह सुनकर स्टैन को राहत की सांस मिलती है और वो म्यूजिक सुनने लगता है। अब दिमित्री जेनिफर को पानी में डुबोकर तड़पाने लगता है, लेकिन इसी बीच जेनिफर उसकी चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल चाकू को उसकी आंख में घुसा देती है। इससे दिमित्री का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है। इसके बाद में जेनिफर चाकू निकाल लेती है और दिमित्री की डेड बॉडी पानी में डूब जाती है। अब जेनिफर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद में जेनिफर को वहां से पैदल ही जाना पड़ता है और वो एक गुफा के अंदर छुप जाती है। जेनिफर वहां पर आग जलाती है और बैग में पड़ा हुआ सामान चेक करने लगती है। उसमें से जेनिफर को एक बियर कैन मिलती है और वो उसे पी लेती है, क्योंकि काफी समय से उसने कुछ खाया नहीं था। लेकिन जेनिफर को अब बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए वह रोने लगती है। तभी उसे रिचर्ड को दिए गए ड्रग्स पियोते के बारे में याद आता है, जिसको जेनिफर ने अपने लॉकेट में रखा था। वो जैसे उस ड्रग्स को खाती है, जेनिफर पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। फिर जेनिफर चाकू निकालती है और अपने पेट में बने जख्म को थोड़ा सा बड़ा कर देती है। इस समय जेनिफर को ड्रग्स की वजह से कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो आसानी से लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देती है, लेकिन अब वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, यानी कि खून बहने लगा था। इसीलिए वो बियर कैन को गर्म करती है और वहां पर चिपका देती है, इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। इसके बाद जेनिफर वहीं पर रेस्ट करने लगती है। सुबह होने पर रिचर्ड वापस आ जाता है और एक मरे हुए जानवर को स्टैन की जीप के ऊपर फेंक देता है। इसे देखते ही स्टैन कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो नदी किनारे जाता है और मुंह धोने लगता है, तभी वहां पर दिमित्री की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है और जीप में आकर बैठ जाता है। ऐसे में स्टैन को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब रिचर्ड डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसमें पत्थर बांध देता है। फिर दोनों मिलकर उसे नदी में डुबो देते हैं, ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। फिर स्टैन इन सभी बातों के लिए रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है। तब रिचर्ड पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देता है, जिससे स्टैन का बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद में दोनों अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को खोजने निकल जाते हैं। इधर जेनिफर की नींद खुल जाती है, वो देखते है कि उसका जख्म भर चुका है और वहां पर बियर कैन का निशान बन गया है। इसके बाद में वो अपनी राइफल लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड सामने से आकर गन पॉइंट कर देता है। इससे जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब जेनिफर का एक ड्रीम था, यानी कि नाइटमेयर था, जो कि ड्रग्स की वजह से वो देख रही होती है। होश में आने के बाद उसके जख्म ठीक हो चुके थे। इसके बाद वो सारे हथियार लेकर बाहर निकल आती है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, ताकि उसे रिचर्ड और स्टैन के बारे में पता चल सके। इधर रिचर्ड और स्टैन को वो गाड़ी मिल जाती है, जिससे जेनिफर लेकर भागी थी, लेकिन जेनिफर इनको कहीं भी नजर नहीं आती। इस पर रिचर्ड स्टैन के साथ अलग अलग होकर ढूंढने का प्लान बनाता है। रिचर्ड वहां से ईस्ट की ओर चला जाता है, जबकि स्टैन मिरर में अपने जख्म को देखने लगता है। तभी इसका मिरर रिफ्लेक्शन देखकर जेनिफर देख लेती है और उसे स्टैन की लोकेशन पता चल जाती है। जब स्टैन वहां से निकलता है, तो जेनिफर उसको फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्टैन की जीप का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक लेता है और बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है। तब इसका फायदा उठाकर जेनिफर शूट कर देती है, लेकिन नीचे गिर जाने से उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट स्टैन के शोल्डर में लग जाती है। फिर जेनिफर जब देखते तो स्टैन गाड़ी के पास में नजर नहीं आता, इसीलिए उसे खोजने गाड़ी के पास में जाती है। फिर उसे पता चलता है कि स्टैन वहां से भाग रहा है। इसके बाद वह उसके ब्लड को फॉलो करने लगती है, लेकिन
स्टैन भी समझ जाता है कि ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उसे खोज लेगी, इसलिए वो अपने एक पैर की सॉक्स को जख्मों पर बांध देता है, इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। जेनिफर जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे आगे ब्लड नजर नहीं आता। अब स्टैन पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया था और छुप गया था, जबकि जेनिफर उसको खोजते हुए आगे चली जाती है। तब स्टैन नीचे आता है और पीछे से जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ब्लड जेनिफर के कान को जख्मी करते हुए निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और स्टैन उसको फॉलो करने लगता है। तब जेनिफर अपने टॉर्च के ग्लास को तोड़कर वहाँ पर फेंक देती है, जिसे स्टैन नोटिस नहीं कर पाता और ग्लास के टुकड़े से उसका पैर जख्मी हो जाता है। इससे स्टैन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, फिर भी वो पूरी हिम्मत से अपने पैर से कांच के टुकड़े को निकाल लेता है। इसके बाद वह वापस अपनी जीप में आता है और उसकी मदद से जेनिफर को फॉलो करने लगता है, लेकिन जेनिफर को पता चल जाता है कि स्टैन गाड़ी लेकर आ रहा है, इसीलिए वो गन लेकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। स्टैन जैसे ही वहाँ पर आता है, जेनिफर उसे शूट करने लगती है। इस बीच जेनिफर के दो निशाने चूक जाते हैं और स्टैन उसके काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन तीसरी बुलेट सीधी स्टैन के सर में लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद में जेनिफर उसकी जीप लेती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैन के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी समय बाद भी स्टैन वापस नहीं आता। इससे रिचर्ड समझ जाता है कि स्टैन भी मर चुका होगा। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। अब वो रिचर्ड यहाँ पर एक भी पल रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रॉबर्ट को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर लेकर आने के लिए बोलता है। अब रिचर्ड बात लेने चला जाता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो गन लेकर अंदर और बाहर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वह फिर से अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। रिचर्ड उसे समझाने जाता है, लेकिन जेनिफर उसके पैर में शूट कर देती है। इसके बाद वो भी जेनिफर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर एक डोज के पीछे छुप जाते है और रिचर्ड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो रेंगते हुए भागता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर उसके ब्लड को फॉलो करते हुए उसे खोजने लगती है, लेकिन रिचर्ड आगे जाकर छुप जाता है और जेनिफर को शूट करने के लिए तैयार था, लेकिन जब जेनिफर वहाँ पर आती है तो वह रिचर्ड के गिरे हुए ब्लड को यानी खून को देख लेती है, इसीलिए वो उसको दूसरी तरफ से खोजने जाती है। लेकिन रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर जान गई है उसके प्लान को, इसलिए वो एक रूम में जाता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए वहाँ पर प्लास्टिक लपेट लेता है। इसी बीच जेनिफर उसे खोज लेती है। इसके बाद में रिचर्ड वहाँ से भागने लगता है, फिर जेनिफर उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन फिसलने की वजह से वह गिर जाती है। वो उठने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिसलन की वजह से नहीं उठ पाती। तभी रिचर्ड वहाँ पर आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, तभी जेनिफर उसकी चोट को दबा देती है, जिससे रिचर्ड को असहनीय दर्द होता है और वो जेनिफर को छोड़ देता है। इसका फायदा उठाकर जेनिफर गन ले लेती है और रिचर्ड उसे रोकने जाता है, लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है। इसके बाद खून में डूबी जेनिफर बाहर आती है और उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।